So, hopefully, ये आपको नजर आ रहा है जो कोड लिखा हुआ है? Is it good enough? साइज ठीक है पीछे वालों को? क्लियर है? ओके, सो लास्ट टाइम हमने लास्ट दो क्लासेस में हम दो चीजें कवर कर चुके हैं. एक हमने सी इन सी आउट को कवर कर लिया और दूसरा हमने डेटा टाइप्स को कवर कर लिया कि इंटेजर, डबल, फ्लोट, इस किस्म की चीजें कवर कर ली, मेमोरी में कितनी जगह लेती हैं ये देख लिया. फिर हमने ये कवर कर लिया कि जो इनके ऊपर ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि मोर लेस वही थे जो कि हम नॉर्मली करते हैं, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले ऑपरेटर्स. ठीक. और इसमें जो डिफरेंट था थोड़ा सा वो थी इंटीजर डिवीजन और इंटीजर रिमाइंडर, और उस पर हमने लास्ट टाइम ठीक सा टाइम लगा लिया. ठीक. आज की क्लास में जो हम कवर करना चाहेंगे वो इस सी प्लस प्लस के कुछ मेजर फीचर्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे. और वो फीचर्स क्या क्या हैं? वो है सिलेक्शन, जिसको हम कई दफा इफ एल्स या स्विच से कवर करेंगे. ठीक है, हम इसमें से इफ एल्स आज कवर करेंगे, स्विच हम बाद में देख लेंगे. फिर हम आइट्रेशंस कवर करेंगे, यानी कि बार बार काम करवाना हो अगर. ठीक है, जिसको हम लूप्स भी कहते हैं, जिसमें हम वाइल और फॉर कवर कर लेंगे आज. ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रो हम फंक्शंस का लेके, आखिरी चीज हम शायद वेक्टर्स कुछ कर रहे होंगे. ठीक है, इफ टाइम अलाउस. ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम हो सकता है कि इन दो क्लासेस में ये वाला काम कर रहे हो. ठीक, तो ये वाली चीजें हम जल्दी कवर कर लेंगे और फिर देन विल मूव टू अगले वाले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये लास्ट टाइम वाला प्रोग्राम है तो इसको प्रोबेबली मैं उड़ा देता हूं. ठीक है, सो लेट्स सी. ओके, सो पहला पार्ट सिलेक्शन. ठीक है, सो सिलेक्शन क्या चीज है? सो मैंने आपको कहा था कि आपने देखना इस तरीके से है इसको कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ये कंप्यूटर आपका एक पेट है जो कि बाज मामलों में बिल्कुल डंप है, कुछ समझ नहीं आती इसको, और बाज मामलों में ये बहुत तेज है. ठीक है, किस मामले में तेज है? इससे आपने एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटेशंस करवानी हो ये कर देगा. ठीक है, डंप किस मामले में है? अगर आपने एग्जैक्टली उसी तरह से बताया जिस तरह ये समझता है तो इसको समझ आएगी, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए तो समझ नहीं आएगी. ठीक है, सो इसलिए सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है. सिंटेक्स से मुराद के जो हम लिखेंगे उसको हम सिंटेक्स कहते हैं. सो मैं पहली चीज कवर करना चाह रहा हूं इफ एल्स. ठीक है, सो हम सी में जब कोड या सी प्लस प्लस में कोड लिख रहे हो और बाकी लैंग्वेजेस में भी मिलता जुलता होगा, उसमें कई दफा हमें चीजों को ना चूज करने की जरूरत पड़ती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो आप एक काम करो, अदरवाइज कुछ और काम करो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी यूजर से कहता हूं कि यार दो नंबर इनपुट करें और मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं उनमें से बड़ा कौन सा है. ठीक है, सो अब हो सकता है एक बड़ा हो सकता है दूसरा बड़ा. ठीक है, तो मैं लेस देन ग्रेटर देन चेक कर सकता हूं उसके अंदर. ठीक है, तो लेकिन वो चेक मैं कैसे कर सकूंगा? उसके लिए फिर हम इफ एल्स लगा रहे होंगे. तो इफ एल्स का सिंटेक्स बड़ा सीधा सा, आप लिखते हैं इफ और ये गोल ब्रैकेट्स, उसके बाद इसके अंदर एक डब्बा और एक डब्बा इधर. ठीक है, मैं अभी बताता हूं डब्बा क्या चीज है. ठीक है, ये खुद अगर आपने कोई एक चीज ही चेक करनी है उस पर काम करना है तो ये काफी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ये ट्रू हो तो ये काम हो, अदरवाइज कोई और काम हो, तो फिर हम एल्स करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स और एक और डब्बा. ठीक है, सो डब्बे में मैं भी आता हूं क्या है. ठीक है, सो यहां तक चीज क्लियर? अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज अ जनरल रूल ये जहन में रखें कि ब्लॉक स्टार्ट और एंड जो होगा वो कर्ली ब्रैकेट से होगा, और अगर कोई कंडीशन चेक करनी है, कोई इनपुट देनी है, वो ये गोल वाली ब्रैकेट्स वहां पे लग रही होंगी, तो इससे आपको याद रहेगा कि ब्रैकेट्स किस तरीके से यूज होती है. ठीक है, अच्छा, सो ये डब्बे क्या चीज है? इस डब्बे में आप जो भी कोड लिखना चाहें, ठीक है, जो भी सी प्लस प्लस में आप कोड लिखना चाहें, आप ये पहला डब्बा जो है ना ये है कंडीशन. ठीक है, इसमें आप कोई कंडीशन चेक करेंगे. ठीक है, जो या ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यार इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो ये
ट्रू या फॉल्स हो सकता है. इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, और इनकी आउटपुट होती है बूलियन, ट्रू या फॉल्स. ठीक है, आप इधर सिंपल ये भी लिख सकते हैं इफ ए. ठीक है, अगर मैं ये लिख दूंगा तो अगर ए नॉन जीरो हुआ तो इसको ट्रू समझा जाएगा, अगर वो जीरो हुआ तो उसको फॉल्स समझा जाएगा. ठीक, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसके बजाय कुछ इसी किस्म की चीज लिख रहे होंगे, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और ए बी आर एनी वेरिएबल्स. यहां पर हम ए बी अमूमन, ये मैं अभी समझाने के लिए नाम यूज कर रहा हूं. आप जब अपना कोड लिख रहे हो तो नाम थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए कि दिस इज द वेरिएबल दैट स्टोर समथिंग, वो इस तरह का नहीं मतलब, लेकिन बिल्कुल ये भी नहीं होने चाहिए कि ए बी सी शुरू हो और जब जी खत्म हो तो ए ए बी बी सी सी इस तरह से शुरू, नहीं. ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए. कुछ स्टैंडर्ड जो है, जिस तरह अननोन हो कोई तो उसको बेशक एक्स कर लें, अगर कोई एरे बाद में हम पढ़ेंगे उसका इंडेक्स है तो आई कर लें, वो स्टैंडर्ड एक अल्फाबेट वाले नाम अच्छे. ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स नहीं है. आप नाम का बेसिक रूल क्या है कि नाम के दरमियान स्पेस नहीं आती. ठीक है, आप अगर ए नंबर लिखना चाह रहे हैं तो ए स्पेस नंबर नहीं लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये स्पेस इज नॉट अलाउड. आप कह सकते हो ए अंडरस्कोर नंबर, या आप कह सकते हो ए और फिर आप लेट्स कैपिटल एन बना दो, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्मॉल एन भी कर दोगे फिर भी चल जाएगा बगैर स्पेस के. लेकिन अक्सर हम अगर मल्टीपल वर्ड से मिलके बन रहा हो तो हम आगे वालों को कैपिटल से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है, सो नाम के दरमियान में डिजिट आ सकती, नाम की स्टार्ट में नहीं आ सकता. ठीक है, मैं अगर नंबर वन लिखूंगा दिस इज अ वैलिड नेम. ठीक है, लेकिन अगर मैं वन नंबर लिखूंगा तो ये नाम गलत है. ठीक है, नाम के स्टार्ट में कभी भी नहीं आता. और ये नेमिंग कन्वेंशन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू कि आप कोई फंक्शन का नाम लिख रहे हो, किसी वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, आपको हर जगह पर ये वाला रूल, और ये और लैंग्वेजेस में भी तकरीबन इसी तरह. ठीक, सो ये वेरिएबल के नामों की बात होगी. अच्छा, सो वो इफ एल्स से रिलेटेड नहीं है, वो तो हम पहले भी वेरिएबल पढ़ चुके हैं. जो मेन कॉन्सेप्ट हमने अभी तक एक पढ़ा वो यही है कि वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, किसी भी टाइप का. सो इफ की ये चीज समझ आई कि ये चीज है कंडीशन. ठीक है, तो ये क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहां पर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हुई तो एल्स में जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक, यहां तक चीज क्लियर होगी. ठीक है, सो लेट्स डू अ क्विक एग्जाम्पल. लेट्स से कि मैं यही जो कह रहा था कि मैंने मैक्स निकालना है. ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यार मेरे पास दो नंबर हैं, लेट्स से इंट ए बी, और लेट्स से एक तीसरा है मैक्स. ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं दो नंबर यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं और उनका मैक्स जो है वो मैक्स में स्टोर करवाना चाहता हूं, लेट्स से उसको प्रिंट भी करवाना चाहता हूं. ठीक है, सो यूजर से लेना तो आपको इनपुट है, यूजर से इनपुट लेनी हो तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन पर उसको कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए कि भाई नंबर एंटर करो. ठीक है, असल में तो सी इन से इनपुट होगी लेकिन उससे पहले कोई डिस्क्रिप्टिव मैसेज हो. सो मैं उसको कहता हूं सी आउट एंटर टू नंबर्स. ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या करूं, सी इन, तो सी इन में मैं ए और बी दोनों इनपुट कर लिए मैं, सॉरी ये मैं कभी कभी भूल जाता हूं लेकिन इसको याद रखने का तरीका ये है कि सी आउट में ये टेक्स्ट आप स्क्रीन पे जा रहे हैं तो कंसिडर इट स्क्रीन, सी इन में आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं तो इसको कंसिडर करेंगे ये कीबोर्ड है और ये आपको इनपुट दे रहा है, तो ये एरो उस डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप चीजों को मूव करें. ओके, सो आपने दो नंबर इनपुट ले लिए. ठीक है, सो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे करने हैं. अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर ए बड़ा है तो वो मैक्स में चला जाए, अगर बी बड़ा है तो वो मैक्स में चला जाए. सो मैं क्या चेक कर सकता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो इसका मतलब है ए बड़ा है, सो मैक्स शुड बी इक्वल टू ए, एल्स मैक्स शुड बी इक्वल टू बी. ठीक है, सो मैं इधर सिंपल इफ गोल ब्रैकेट्स में कंडीशन आती है ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी, तो मैं क्या करूं, मैं कहता हूं मैक्स इज इक्वल टू ए. ठीक,
एल्स, थोड़ा सा ऊपर कर लूं मेरा ख्याल है इसको ताकि नजर आता रहे, एल्स मैक्स इज इक्वल टू बी, और इसके बाद लेट से मैं कहता हूं सी आउट मैक्सिमम नंबर इज, तो सी आउट पे मैं मजीद टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी सी आउट के चीते बन चुके हैं, ठीक है। सो अगर नहीं बने तो फिर इसमें आपकी गलती है। सो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, दिस इज द फॉर्मेट जो कि आपने यूज करना है। सो डब्बा क्या है, दिस डब्बा इज कंडीशन, ये डब्बा क्या है, यहां पे जो भी आप कोड लिखना चाहें, जो भी काम इस कंडीशन के ट्रू होने पे करवाना चाहते हैं, दिस कुड बी वन लाइन जिस तरह अभी हमने लिखी है, दिस कुड बी वन मिलियन लाइन, ठीक है, इट इज पॉसिबल कि आप इफ लगाए उसके अंदर वन मिलियन लाइन्स का कोड चल रहा हो और एल्स में कोई और मिलियन लाइन्स का कोड चल रहा हो या थाउजेंड लाइन्स का या कुछ, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। सो ये डब्बा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आप सी प्लस प्लस में अलाउड कोड है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या ये वाकई ठीक चलता भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको दो नंबर इनपुट दे के देखता हूं, ओके, सो टू नंबर्स इनपुट करने हैं, लेट्स मैं कहता हूं 34 और 67, उसने कहा मैक्स मैक्सिमम नंबर है 67, ठीक है, ये शायद पढ़ाना जा रहा हूं लेकिन ये ठीक है, ज्यादा नंबर हो तो फिर आपको ज्यादा दफा इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है, उस पर मैं भी आता हूं उस पर कि क्या करना है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि अभी हम बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्ट पढ़ा है, मतलब आगे बंदा सोचता है ज्यादा नंबर हो, अगेन मैं पहले से नाम बताना चाहूंगा कितने नंबर हैं और मैं कहूं कि यूजर बस एंटर करता जाए, ठीक है, तो इट इज ऑल पॉसिबल, ठीक है, कि आप अगर 500 नंबर इनपुट करना चाहते हैं और उनमें से मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, सिर्फ आपको उसके लिए इससे अगली वाली जो सिलेक्शन के बाद मैंने आइट्रेशन पढ़ा था हमें उस पर आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बताए आप इसको, इसको हमें यू चलते हुए है, यहां पे चेक किया इफ लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो इक्वल टू ही अगर इक्वल हुए तो क्या होगा, एल्स में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, मैंने लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, तो अगर इक्वल थे फिर चाहे मैं इसको साइन कर देता या इसको साइन कर देता, दोनों की इसमें मैक्स तो एक ही आना था ना क्योंकि वो थे ही बराबर, ठीक है, तो वो दोनों ही मैक्स थे, तो इसलिए इसमें मैटर नहीं करता, मैं चाहे इधर लेस देन इक्वल टू भी लगा दूं तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि फिर वो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन मैक्स सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मैं उसको एक एज अ सेपरेट कंडीशन डील करना चाहता हूं कि नहीं तो कि बराबर हो तो मैं कुछ और करूं, तो फिर मैं पहले चेक कर सकता हूं कि वो इक्वल है तो मैं अलहदा से प्रिंट कर दूंगा भाई ये तो पहले से इक्वल है और बाकी का काम एल्स में करूं। अच्छा, अब इस डब्बे के अंदर क्या आ सकता है, इस डब्बे के अंदर और इफ भी आ सकते हैं, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर आप कहते हो बराबर आ गए, आप बेशक इधर लगा दें कि इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी, क्योंकि अगर मैं कह दूं कि भाई प्रिंट कर दूं कि ये तो इक्वल है, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और एल्स में आप मैक्स को साइन कर दें, ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। ओके, सो वेरी ऑफन हम ये कर रहे होते हैं कि एल्स के अंदर फर्दर इफ लगा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कई दफा हमें ये चाहिए होता है, मैं अभी इसकी एक एग्जांपल करता हूं इसके बाद, ब्लड से कि मैं इधर कुछ और चेक करना चाहता हूं, ठीक है, जो मैंने काम करना था उसमें मैंने कुछ और चेक करना था और मैंने इधर कुछ स्टार्ट किया एंड किया और इसके एल्स में कुछ और काम किया, ठीक है, और हो सकता है एल्स के अंदर दोबारा इफ लगाना चाहूं, ठीक है, तो ये तो नेस्टेड, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्लास, करके भाई इफ के अंदर इफ लगा हुआ जो कि बड़ा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि काफी ज्यादा कॉमन है तो कई दफा हम ना एल्स के अंदर इफ के अंदर दोबारा एल्स के अंदर के बजाय ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और वो फॉर्म ये है कि मैं इसको एल्स के बजाय कहता हूं एल्स इफ, ठीक है, एल्स स्पेस इफ और उसी के अंदर वो कंडीशन लिख देता, दिस इज एक्चुअली इक्वलेंट टू के मैं अंदर इसके एक और इफ लगा देता, ठीक है, तो ये मैंने उस ब्रैकेट के अंदर लगाने के बजाय इसके साथ ही लिख दिया, ठीक है, तो इससे इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर ये हो तो ये करो, वरना अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो, वरना लेट्स इधर एक और, वरना अगर कोई और कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करते जाओ एंड सो ऑन, और आखिर में अगर
else लगाना है तो else लगा दे, ठीक है, अगर आपने जब सब conditions false हो तो तब भी कुछ करना है तो else लगा दे, कुछ नहीं करना तो else ना लगे, ये भी possible है कि आप, it will all depend कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, what is the problem that you are trying to solve, ठीक है, for example एक छोटा सा problem लेते, हमारी let's say कि एक grading policy है, ठीक है, grading policy ये है कि भई अगर 90 plus हो तो लेट से मैं कहता हूं 90 प्लस का मतलब है 90 एंड अबव का मतलब है कि ए आ जाए 80 प्लस हो लेकिन 90 से कम हो, ठीक है, सो लेट से इसको मैं कहता हूं 82-89 कह देता हूं, आपका बी आ जाए और लेट से 72 ये आपकी वैसे पॉलिसी नहीं है लेकिन जस्ट मैं भी एग्जांपल के लिए कह रहा हूं सी आ जाए और लेट से कि मैं कहता हूं कि 62-69 जो है ना, अभी मैं इंटीजर्स अज्यूम कर रहा हूं, पॉइंट्स में अज्यूम नहीं कर रहा, वैसे कर लेना चाहिए लेकिन चलो खैर एनीवे अभी कर लिया है तो ठीक है, डी आ जाए और लेट से कि लेस देन 60 हो अगर आप तो आपका एफ आ जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे आपका है लेकिन होपफुली ये भी हम प्रोग्राम बनाने की हद तक कर रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स से कि मैं क्या मैं किसी तरीके से मार्क्स इनपुट लेता हूं, ठीक है, सो लेट्स से वो तरीका अभी क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि हम यूजर से इनपुट लें तो मैं यूजर से कहता हूं कि भाई आप मार्क्स इनपुट करें, ठीक है, और उन मार्क्स को फिर मैं उस मार्क्स की बेस पे, मार्क्स मीन्स 100 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है, और उसकी बेस पे मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूं कि ग्रेड क्या है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अब मल्टीपल कंडीशंस लग गई, ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या होंगी, अगर अब मैं इसको मिटा दूं और अब आपको सोचने का कहूं, क्या करेंगे हम, मार्क्स आगे एक वेरिएबल है उसमें आपके लेट से मार्क्स आगे, ठीक है, वो यूजर से इनपुट लेने हैं क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं तो वो तो हमें को मसला नहीं होगा, ठीक है, सो हम कहते हैं कि मार्क्स इधर को पढ़े हुए, ठीक है, अब क्या करूं, इफ क्या, इफ मार्क्स व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 सी आउट, अच्छा एक छोटी सी और चीज, जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना ये हम मतलब इफ का मैंने आपको बताया ब्लॉक इस तरह होता है, अगर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी एक ही आपने कुछ लिख के उसके आगे सेमी कॉलन एक दफा डाल दिया, बस एक ही स्टेटमेंट है, तब आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, लगा दे तब भी ठीक है, जिस तरह मैंने अभी लगाई हुई है, एक ही स्टेटमेंट थी मैंने लगाई हुई है ब्रैकेट्स तब भी ठीक है, ना लगाऊं तब भी ठीक है, तो मैं अगर इसको मतलब डिमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ठीक, सो कोड ज्यादा नीट हो गया, छोटा सा हो गया, ठीक है, और इसको अगर मैं रन करूं तो ये स्टिल इसने मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया कि भाई लेट से सॉरी 23 और लेट से 99 को कहता हूं तो वो कहता है मैक्सिमम नंबर 99 है, ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छा ये इंडेंटेशन का ख्याल रखा करें, अगर ये वाला इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है दिस शुड बी वन टैब आगे, ठीक है, कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक इसको पीछे ले जाएं, ठीक है, लेकिन जब हम खुद अपना कोड पढ़े होते हैं ना तो जब जरा सा बड़ा कोड हो जाता है तो फिर हमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, कि मेन जहां से शुरू हुआ है मैं एक आगे चला गया, इफ के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो एक और आगे चलेगी, अगर इसके अंदर मैं एक और इफ लगा देता वो एक और आगे चला जाता, उसके अंदर कोई और स्टेटमेंट ऐसी कोई लूप लगा देता एक और आगे चला जाता, तो उससे मुझे कोड के ब्लॉक्स का आइडिया हो जाता है कि ये वाला ब्लॉक कितना आगे, ठीक है, तो ये हमारे अपने देखने के लिए, ठीक है, सो बड़ा इरिटेटिंग लगता है जब आप एक दफा अच्छा कोड लिखने की आपको आदत हो गई हो और फिर आप किसी का कोड देखें जिसमें आगे पीछे सारी चीजें लिखी हुई हो ना, तो वो नीटनेस से ना एक और चीज ये होती है कि
आप डिबगिंग आपके लिए आसान हो जाती है, मतलब जब क्योंकि प्रोग्राम्स जब भी आप चलाते हैं ना उसमें बग्स आते हैं जनरली, और वो हमने रिमूव करने होते हैं जब कोशिश करनी होती है 100% रिमूव हो जाए, ठीक है। सो वो डिबगिंग तब आसान होती है कि अच्छा कोई लूप है और वो 1000 लाइन नीचे खत्म हो रहा है तो आपको पता होगा यार मैं इस वाले लूप में था कि दूसरे वाले लूप में था, ठीक है। तो ये वाली चीज, और कोड में ना अभी से अपना वो जो एक्सपेक्टेशन है वो सही सेट रखें, ठीक है, कि मतलब मिसाल के तौर पर आपका जो प्रोजेक्ट होगा इट शुड बी अराउंड कोई 5 से 6 हजार लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। सो ये छोटे प्रोग्राम जो होते हैं वो इस लेवल के होते हैं, ठीक है, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वो फिर लाखों लाइन्स ऑफ कोड तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर बच्चे जो है ना वो शुरू में समझते हैं कि यार वो बस, और ये वाकई पता नहीं चलता जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, आपको भी तो लग रहा है 6000 नहीं 5-6 हजार लाइन्स जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो फटाफट यही अभी से कोई 40-50 लाइन इतनी सी में ही बन गई, ठीक है। सो जो थोड़ा सा सीरियस काम होगा वो बड़े आराम से ना फ्यू थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड, हो सकता है अच्छा लिखा हो वो 2000 में ही पूरा आ जाए, थोड़ा सा बुरा लिखा हो वो 6000 तक चला जाए, ठीक है। सो अच्छा कोड जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है तो आप करते, लेकिन मतलब कोड को जान के 6000 पे ले जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कह दिया, आपने कोड को इस तरह से लिखना है कि वो जितना एक्सप्रेसिव हो जितने अच्छे तरीके से चीजों को कन्वे कर सको। ओके, सो क्योंकि मार्क्स वाले पे वापस आ जाता हूं, सो मार्क्स में इसका मतलब है कि मैंने आपने कहा कि जी इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो कंडीशन तो ये हो गई। आगे जो ब्लॉक लिखना था वो क्योंकि एक ही लाइन थी तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स बेशक ना लगाऊं, पर मैं यहां पर लिख देता हूं कि यार जो भी ग्रेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो फिर ये तो एक हुआ, आगे क्या करूं? अब इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करूं? else if marks greater than equal to 80। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या मैं ये लिखूं या मैं साथ ये भी लिखूं marks less than equal to नहीं less than 90, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास अगर मार्क्स थे, ठीक है, तो ये एक लाइन है जिसपे नंबर्स हो सकते हैं, तो मार्क्स लेट से 0 से लेकर 100 तक हो सकते थे, ठीक है। आपने कहा कि यार अगर तो 90 या उससे ऊपर हैं तो ए, वरना इस तरह वाले नंबर है कि इसमें आपने कहा कि अगर 80 से ऊपर हैं और 90 से नीचे, तो ये एंड क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, ठीक है। So, आप कह रहे हो कि अगर 80 से ऊपर हो एंड 90 से नीचे, बट हम तो ऑलरेडी उसके एल्स में, हम 90 तो पहले ही चेक कर चुके हैं, अगर तो वो 90 से ऊपर होते तो हमने तो इधर प्रिंट कर चुका होना था कि ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो फिर तो हमने एल्स में आना ही नहीं था, एल्स में तो हम तब आए जब ये 90 से ऊपर नहीं थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंडीशन की जरूरत नहीं है, आप इसको बेशक रिमूव कर दें, ये रिडंडेंट है, गैर जरूरी है, लगा देंगे प्रोग्राम फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपने कंप्यूटर बेचारे को बिला वजह एक और एक्स्ट्रा काम करना। इट डजेंट मैटर इन स्मॉल प्रोग्राम्स दैट मच, लेकिन बट यू शुड टेक केयर अबाउट इट कि अननेसेसरी कंडीशंस ना हो। व्हाट अबाउट कि अगर आपने ये जो चेक लगाया है, ये कोई गूगल जो है उनके अपने सर्च इंजन में भी पीछे सी के कोड चल रहे होंगे मुख्य, वहां पर आपने लिख दिया एक 2-4 अननेसेसरी इस तरह की कंडीशन लगा दी जिनकी जरूरत नहीं थी, और गूगल को एक सेकंड में हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस क्वेरीज आ रही हो, या हो सकता है बिलियंस में भी आ रही हो, ठीक है, कि इतने लोग इकट्ठे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि इधर सर्च कर रहा है कि भाई C++ के लेक्चर कहां पर मिलेंगे, और कोई कर रहा होगा कि कोई मूवी कहां पर मिलेगी, और कोई तो सारे की सारी जो सर्चेस गूगल पे हो रही हैं वो क्योंकि मिलियंस में, तो इसका मतलब है कि वो एक कंडीशन जो फ्यू माइक्रोसेकेंड या फ्यू नैनोसेकेंड का फर्क डालती थी, प्रोग्राम को स्लो करती थी, वो बिलियंस ऑफ नैनोसेकेंड पर सेकंड बन जाएंगी, और एक सेकंड स्लो आपको ऑन एवरेज फील होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप कहोगे कि यार ये दूसरा सर्च इंजन जो कि ज्यादा फास्ट है इस पे मूव हो जाए। ऑब्वियसली गूगल वालों ने ख्याल रखा हुआ है, अच्छे डेवलपर हायर किए हुए हैं तो उनका सर्च इंजन शायद बेहतर है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जो कोड लिखने जा रहे हैं उसमें एक फैक्टर ये होता है कि आप उसको
उसमें अननेसेसरी काम ना करें। तो ये एक अननेसेसरी काम था क्योंकि आपने ए ग्रेटर देन 90 ऑलरेडी चेक कर लिया। जब आप एल्स में हैं तो यू आर ऑलरेडी इन दिस रेंज, तो वो 90 से नीचे होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ चेक करना है कि वो 80 से ऊपर है, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन एन एल्स, ठीक है। इफ ये चेक हो चुका है तो ये दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये काफी है, ठीक है। अब आप सिर्फ 80 से बड़ा चेक करेंगे तो 90 से बड़ा ऑलरेडी चेक हो चुका है पीछे, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या बनेगा, ग्रेड इज इक्वल टू बी एंड सो ऑन, बाकी भी हम इस तरह बना देंगे। व्हाई नॉट जस्ट हम इसको दो मिनट में ट्राई कर लें कि अगर मैं इसी प्रोग्राम में दो नंबर एंटर करने के बजाय मैं कहता हूं एंटर मार्क्स और सी इन मार्क्स, ठीक है, और इधर ए बी के बजाय मैं इसको मार्क्स कर देता हूं, ठीक है। और यहां मैं कहता हूं कि यार इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, डॉट लग गया, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मैक्स के बजाय मैं लिख दूं सी आउट ग्रेड इज इक्वल टू ए, ओके। और फिर मैं कहता हूं else if मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो दोबारा पूरा प्रिंट करने के बजाय आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट करके आप ऊपर नीचे जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, क्योंकि आप नए नए हैं तो आपको नहीं पता, कुछ अरसे बाद स्टूडेंट्स को ना कॉपी पेस्ट सबसे ज्यादा याद होता है, और कुछ याद हो या ना हो, ठीक, सारी असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट करके वो जमा करा देते हैं। ये और बात है, टीचरों को पता चल जाता है, ठीक है, ये ना समझे हमें पता नहीं होता, ठीक, कोड देखते ही पता चल जाता है कि ये मेरे स्टूडेंट का लिखा हुआ है, या अगर साफ सुथरा लिखा हुआ तो ये मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता, इतना हमें कॉन्फिडेंस अपने स्टूडेंट्स पे है कि वो साफ सुथरा, ठीक, ओके। सो यही वाली चीज जो है, अगर मैं सॉरी इस केस में मुझे बी करना था, ठीक है, और इसी तरह मैं सी के लिए भी पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, कि मैं कहता हूं कि यार अगर ये 70 से ऊपर हो तो फिर ये सी हो जाए, और अगर ये 60 से ऊपर हो तो ये डी हो जाए, और फाइनली अगर ये कुछ भी ना हो इनमें से, सो फिर हम कुछ अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स का एफ भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। सो नीचे वाला जो सी आउट है उसको मैं खत्म कर देता हूं, सो ये हमारा एक सीक्वेंस ऑफ इफ एल्स बन गया, यानी कि एल्स के अंदर फर्दर इफ था, लेकिन हम उसके अंदर लिखने के बजाय हमने साथ ही लिख लिया, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट है। इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ये ठीक चल रहा है। सो मैं कहता हूं कि मैं मार्क्स को अच्छे से 98 कहता हूं, वो कहता है ए, ठीक है। फिर मैं दोबारा चेक करता हूं कि व्हाट अबाउट मैं 85 कह दूं तो बी, ठीक, व्हाट अबाउट 72 सी, और 68 डी, 52 एफ, ठीक है, और अगर मैं 1000 कह दूं फिर भी ए, सो अगर -1000 कर दूं तो एफ, बट नंबर तो माइनस साइड पे तो नहीं जाने, अलाउ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम इसके ऊपर फर्दर चेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर लेट से मैं 90 से पहले चेक कर लूं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100 और लेस देन, ठीक है, और होगा एंड होगा, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि मार्क्स 100 से बड़े हों या 0 से कम हो, ठीक है, ऑल्दो इट्स पॉसिबल कि इस कोर्स में माइनस में मार्क्स हैं, ठीक है, माइनस में आ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई चीटिंग केस पकड़ा गया, सो आई विल जस्ट गिव -5 out of 100, ठीक है, वो हो सकता है असाइनमेंट का 1% नंबर हो लेकिन आप -5 चले जाएं। तो इस तरह हुआ है माजी में कि कुछ लोग जो है ना उनका ग्रेड एक लेवल नीचे गया है, वो ए आ रहा था तो बी हो गया है। अच्छा स्टूडेंट भी होगा तो वो सेम पनिशमेंट है, बुरा होगा तब भी सेम पनिशमेंट है, अगर आपका सी आ रहा था तो हो सकता है आप एफ पे चले जाएं, ठीक है। सो माइनस में जा सकता है, बट लेट्स से कि फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम आई डोंट वांट कि प्लस
100 से ऊपर या 0 से नीचे नंबर हो. तो मुझे मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले एक एरर चेक लगा सकता हूं, ठीक है, कि अगर इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100. अब इधर आपने बताना है कि एंड होगा या और होगा, ठीक है, इधर क्या एंड आएगा या और आएगा. और इसमें मैं सी आउट कर दूं, लेट्स से कि गलत इनपुट है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं इनवैलिड इनपुट, ठीक है. और उसके एल्स में बाकी का कोड हो, यानी कि अगर इस रेंज में है तो फिर हम कहेंगे नहीं ये तो है ही गलत, वरना अगर 90 से बड़े हैं तो ए है, वरना अगर 80 से बड़े हैं तो. यहां पर एंड होगा या और होगा. अगर मैंने कहा कि एंड लगा दिया तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं 100 से बड़ा भी हो एंड 0 से छोटा भी हो. ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 100 से बड़ा भी हो और 0 से छोटा भी? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है. सो अगर 100 से बड़ा हो या तो जब आप उर्दू में सोच रहे हैं लेट्स से, तो अगर आपको उधर या फील हो रहा है, ठीक है, देन प्रोबेबली इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर और, ठीक है. और अगर उर्दू में सोचते हुए और फील हो रहा है कि भाई ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब आपने उधर एंड लगाना है. बट थिंक अबाउट इट, जब भी आप ये लगा रहे हो, इसको गलत लगा दिया तो आपका बिला वजह टाइम जाया होगा इसको डीबग करने में. किधर है आप पाइप? ओके, सो ये हमने लगा दिया और, ठीक है. सो अब इसके ऊपर एक एरर चेक भी लग गया है, यानी कि अब अगर मैं इसको कहूं 101 नंबर आए हैं तो ये कहेगा इनवैलिड इनपुट, ठीक है. इसी तरह मैं अगर इसको क्या दूं -10 तो ये इनवैलिड. -10 इज पॉसिबल अगर आप 2-3 दफा चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं तो वो पता चले कि आपके -10 ओवरऑल हो जाए, ठीक है. सो ओके, सो ये हमारा पहला पार्ट जो मैंने कहा कि हम एक फीचर जिसको हम सिलेक्शन कह रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हुआ. इफ एल्स जिसको हम कह रहे हैं, इसमें एक और तरीका भी है स्विच, वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, या शायद ना देखें और आपको मैं कह दूं खुद ही देख लें, ठीक है. लेकिन प्रोबेबली हम थोड़ा सा आगे जाके स्विच भी कर लेंगे, लेकिन जो काम इफ स्विच से हो सकता है वो इफ एल्स से भी हो सकता है. बास जगहों पर स्विच ज्यादा एलिगेंट रहता है देखने में, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा कोड ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि जब आप बड़ा कोड लिख रहे होते हैं. लेकिन वो हम फिर थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है. कामरान इसको नेक्स्ट.